आप लोग इमेजिन करो, जिस वक्त बेन स्टोक के बैट को बॉल लग के 4 रन गए ओवर थ्रो में, उस वक्त अगर कैप्टन विराट कोहली होता, पाकिस्तान का सरफराज अहमद होता, बांग्लादेश का कैप्टन होता या कोई भी होता, तो वो वहां पे ही अंपायर से अपील करते और वो 4 रन देने ही नहीं देते। लेकिन केन विलियमसन ने अपील भी नहीं किया दोस्तों, कुछ नहीं बोला उसने, और वो बेन स्टोक ऐसा खड़ा होकर ऐसा हाथ ऊपर कर, तो बेन स्टोक है कि बेन, अभी क्या बोलूं मैं दोस्तों। रॉस टेलर नॉट आउट था, रॉस टेलर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन इन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आफ्टर केन विलियमसन। केन विलियमसन का विकेट जाने के बाद में अगर कोई टीम को संभालता है तो रॉस टेलर है। रॉस टेलर नॉट आउट था, उनके पास में रिव्यू नहीं बचे थे, और वो भी अंपायर को आउट नहीं देना था। अगर आपने देखा होगा तो अंपायर को आउट नहीं देना था, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के अपील कर रहे थे, 2 बार 3 बार अपील किया, तब जाके अंपायर ने प्रेशर में आके आउट दिया। रॉस टेलर भी नॉट आउट था दोस्तों, ऊपर से बॉल जा रहा था स्टंप के, लेकिन अंपायर को आउट देना पड़ा, तभी भी केन विलियमसन ने कुछ नहीं बोला, चुप बैठा। मैच सुपर ओवर में चली गई, सुपर ओवर में जाने के बाद में भी मैच ड्रॉ हुई तो ये आईसीसी का रूल के, जिसने ज्यादा 4 मारे वो जीत गई। अरे तो फिर 4 ही क्यों, विकेट्स देखो ना, सबसे ज्यादा विकेट्स तो न्यूजीलैंड ने लिए, तो विकेट्स के हिसाब से तो न्यूजीलैंड जीत गई। तभी भी केन विलियमसन कुछ नहीं बोला दोस्तों। ये केन विलियमसन नहीं है, ये गॉड सन है, भगवान का आदमी, अल्लाह का नेक बंदा, इसका हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है दोस्तों, नहीं। मैच खत्म होने के बाद, सुपर ओवर होने के बाद, मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन का मुंह देख के दोस्तों दिल टूट गया है। तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन सिर्फ 47 लाख है दोस्तों, मुंबई से भी बहुत कम, इसलिए वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम न्यूजीलैंड के लिए आवाज उठाए और आईसीसी को मजबूर कर दे ये वर्ल्ड कप शेयर करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी यह पॉसिबल है और अभी यह वर्ल्ड कप शेयर हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी चांस है दोस्तों, और अगर ऐसा हो गया जो कि नामुमकिन है अभी, तो सुकून मिलेगा दोस्तों, सुकून, और ये जो गम के आंसू है ये खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। आज का वीडियो अगर आप लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, सब्सक्राइब भी मत करो चैनल को, चलेगा। मेरा अकाउंट वैसे भी मोनिटाइज भी नहीं है, मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं डालता हूँ, मत करो सब्सक्राइब, लेकिन आज का वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये बात पता चले। और अगर आज का वीडियो आपने शेयर नहीं किया तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, देखो हाँ ये ऐसी हालत हो जाएगी आपकी। मैं ये जानता हूँ दोस्तों अभी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अभी आईसीसी कुछ वर्ल्ड कप शेयर करने नहीं वाला है, लेकिन इतिहास में हमारा नाम चुप बैठने वालों में नहीं आना चाहिए दोस्तों। इतिहास में हमारा नाम जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों में आना चाहिए, भले उस आवाज का कुछ फर्क पड़े या ना पड़े। कर दो शेयर। कभी भी आपसे कोई पूछे कि 2019 वर्ल्ड कप का विनर कौन है, छाती चौड़ी करके गर्व से कहना कि न्यूजीलैंड है विनर 2019 के वर्ल्ड कप का, और कोई नहीं, सिर्फ न्यूजीलैंड, द मोस्ट डिजर्विंग टीम।